आज भी अगर बाइक की बात की जाए तो हीरो होंडा बाइक्स हमें सड़कों पर दौड़ती मिल जाएंगी। अपने समय में इंडिया की सबसे ज्यादा दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी हीरो होंडा थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों कंपनियों को अपना 26 साल का रिलेशन तोड़ना पड़ा। दरअसल हीरो जो कि एक इंडियन कंपनी है, 1956 से ही एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड रहा है साइकिल बनाने में। फिर 1984 में होंडा जो कि एक जापान की कंपनी है इंडिया में इंटर करती है और टू व्हीलर बनाने के लिए हीरो के साथ कोलैब करती है। पर कुछ समय के बाद इन दोनों कंपनियों की पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आने लगी और ये प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ गई कि दिसंबर 2010 में इन दोनों कंपनियों को अलग होना पड़ा। ये पार्टनरशिप टूटने के बाद किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि हीरो मार्केट में अपनी फिर से वापसी कर पाएगी, क्योंकि अब मार्केट में और कंपनियों के साथ साथ होंडा भी हीरो का कॉम्पिटिटर बन चुका था। पर आज हीरो 52% शेयर के साथ मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए है, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से।